किनारे लोकल 2:40 नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार को ज़रा सोच कर देखिए कि ऐसी कितनी ही जगहें हैं जिन्हें आप जानते हैं, जहाँ के 2,500 साल पहले के इतिहास को आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं। ऐसी कितनी ही जगहें हैं जहाँ 2,500 साल पहले की जो ईंटें हैं उनको कुछ इस तरीके से आप छू सकते हैं और उन्हें उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। ये ईंट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये आज से 2,500 साल पहले के इतिहास की जीती जागती मिसाल है। इस वक्त हम हैं नाला सोपारा में, मुंबई के पालघर ज़िले में ये जगह आती है और यहाँ का जो इतिहास है ये आपको तमाम जो साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं, उसके अलावा ब्राह्मणिकल जो साहित्य हैं या जो जैन साहित्य हैं, उन तमाम जगहों पर आपको नाला सोपारा के इतिहास की जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो राहुल सांकृतायन की जो किताब है वोल्गा से गंगा, उसे आप पढ़ सकते हैं। उस किताब में उन्होंने नाला सोपारा का जो व्यापारिक परिप्रेक्ष्य था उसको बहुत अच्छे से वर्णित किया है। नाला सोपारा क्योंकि पश्चिम में सबसे बड़ा बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार के तमाम रास्ते थे और कुछ इसी तरीके से ये इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये स्थान जिसकी वजह से है वो है बुद्ध और बौद्ध धर्म को लेकर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध खुद आए थे और सिर्फ आए ही नहीं बल्कि 7 दिनों तक, 1 हफ्ते तक उन्होंने यहाँ निवास भी किया। यहाँ बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कैसे वो यहाँ तक आए और यहाँ के लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, या ये जो मेरे पीछे आप ये स्तूप देख रहे हैं ये कैसे अस्तित्व में आया, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जगह थी, व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यापार होता था अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग साम्राज्य के जो राजा महाराजा रहे उनके साथ। ऐसे में यहाँ पूर्णा नाम के एक व्यापारी थे जो कि अच्छे खासे धनाढ्य थे और उनकी एक मंशा थी, जैसे लोगों की होती है, चार धाम यात्रा की। तो इसके तहत उन्होंने अपनी जो यात्रा थी वो शुरू की। यहाँ से परिवार को अलविदा कहकर अपना धन धनाढ्य लेकर वो निकले चार धाम की यात्रा के लिए और उस यात्रा के दौरान वो पहुँचे बिहार, यानी तब के मगध में कह लीजिए, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई भगवान तथागत बुद्ध से। तथागत के सानिध्य में आने के बाद जब उन्होंने पाया कि ये तो कुछ अलग ही हैं, उनके उनका जो व्यवहार था, उनका जिस तरीके से तेज था, जिस प्रकार वो शांत चित्त थे, उनके मन पर कोई भी भाव नहीं था, उसको देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद उन्होंने उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा पाने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध के संघ में आने के लिए किसी को कोई मनाही नहीं थी, ना किसी प्रकार का कोई जाति बंधन था, ना ही लिंग भेद। ऐसे में व्यापारी थे पूर्णा, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा थी संघ में शामिल होने की, भगवान ने उन्हें अपने संघ में शामिल कर लिया और कुछ इस तरीके से वो बौद्ध धर्म के सानिध्य में आए। उसके बाद उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। तमाम जो बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि उस वक्त वैसे भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, तो वो वापस यहाँ आए जहाँ के वो रहवासी थे और यहाँ उन्होंने आकर जो बौद्ध धर्म है उसको प्रचार, उसका प्रचार और प्रसार किया। यहाँ आने के बाद उन्होंने ये जो स्तूप है उसको बनवाया। और इसके बारे में एक और बात जो है जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं कि यहाँ पर जो भगवान बुद्ध थे वो खुद आए और उन्होंने यहाँ पर 7 दिनों तक रहकर लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और इसके उत्खनन के समय 1882 में इसका उत्खनन हुआ और इसके उत्खनन से जुड़ी भी कुछ रोचक बातें हैं, क्योंकि तमाम जो उत्खनन हुए भारत में वो अंग्रेजी शासकों ने करवाए, अंग्रेज़ों ने करवाए, लेकिन ये जो उत्खनन है वो एक भारतीय ने करवाया, वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया 1882 में। और तब यहाँ जो चीज़ें मिली वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी। यहाँ जो भिक्षा पात्र था भगवान बुद्ध का, उसके 13 टुकड़े इसके ऊपर सुशोभित किए गए थे।
इसके अलावा यहाँ से जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो मिली, सोने के कुछ पुष्प जो कि अलग अलग पात्रों में अलग अलग बॉक्सेस में रखे हुए थे, उन सभी बॉक्सेस को जैसे जैसे खोला गया, लेयर बाय लेयर थे वो, उन सब में सोने के छोटे छोटे पुष्प मिले और ऐसा लगता था जैसे वो किसी तरीके का कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हों। और जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ मिली उसके बारे में ऐसी मान्यता है बौद्ध साहित्य में कि वो आने वाले बुद्ध की प्रतिमा है, यानी वो बुद्ध जो अभी तक आए नहीं, जिनका आना अभी बाकी है। तो कुछ इस तरीके के संदेश के साथ ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से ये मिला। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल राउंड शेप में है, यानी कि इसमें इतना सा भी आपको इसकी गोलाई में कुछ ऊपर नीचे नहीं मिलता। यानी 2500 साल पहले जब ज्योमेट्री नहीं थी, जब किसी तरीके की गणितज्ञ नहीं थे, तब भी इस बारीकी के साथ ये काम हुआ। और इसके चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि समय के साथ वैसे भी इस रीजन में बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ जो है वो लगभग ख़राब हो चुकी है, लेकिन इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो स्तूप होते हैं उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करने की मान्यता है, तो इसके भी चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है, जैसा कि आप सांची के स्तूप में देखते हैं। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सांची के स्तूप जैसा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो स्तूप है ये ओरिजिनल है और सांची का स्तूप इसी की रेप्लिका है, यानी इसी को देखकर इसी के तरीके से सांची के स्तूप को बनाया गया। क्योंकि ये इसका जो एविडेंस है वो मिलता है लगभग 2 से 2500 साल पहले का, कि ये उस वक्त बन चुकी थी और ख़ुद भगवान बुद्ध ने इसका उद्घाटन किया था। इससे जुड़ा हुआ एक और जो महत्वपूर्ण इतिहास है वो ये है कि अशोक, सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो भी यहाँ पाए गए, और उसके अलावा उनके जो बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र, जिनको उन्होंने श्रीलंका और जावा में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, वो भी पहले यहाँ आए। और यहाँ से, क्योंकि यही से जितने भी मार्ग थे वो खुलते थे, समुद्री रास्ते यहाँ से जाते थे, यहाँ वो आए, यहाँ उन्होंने लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ा, और उसके बाद वो श्रीलंका के लिए, जावा के लिए रवाना हुए और वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका इतिहास मौजूद है यहाँ आसपास। और भी खुदाई के समय ये जो स्तूप आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये समाधियाँ मिली हुई हैं। अब आते हैं पूर्णा पर। तो पूर्णा क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जगह जो है, ये स्तूप जो है, ये उन्होंने बनवाई, उनके बारे में ये सारी जो जगह है, जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो मौजूद हैं। और ऐसा ही एक किस्सा है कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली भगवान बुद्ध के शुरुआती दौर पर ही, तो उन्होंने, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो जाएंगे जहाँ वो रहते हैं अपने जगह पर और वहाँ लोगों से वो प्रचार प्रसार करेंगे बौद्ध धर्म का। तब भगवान बुद्ध ने सोचा कि अभी अभी इन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया है, इन्हें उतना ज्ञान भी नहीं है, तो शायद ये वो ना कर पाए, ये उतने सक्षम नहीं है। तो परीक्षा के तौर पर भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा कठोर हैं, तुम कैसे वहाँ पर लोगों को समझा पाओगे? तो उन्होंने कहा कि लोग कठोर हैं, अगर आपको कुछ बोल दिया, कुछ कड़े शब्द कह दिए, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो पूर्णा ने उनसे कहा कि कड़े शब्द ही तो कहेंगे, मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेंगे। बुद्ध ने कहा, मान लो अगर थप्पड़ भी मार दिया तो? पूर्णा ने जवाब दिया, थप्पड़ मारेंगे तो सोचूंगा कि डंडे और लाठी से तो नहीं मार रहे। भगवान बुद्ध ने परीक्षा थोड़ी कठिन करते हुए कहा, और अगर डंडे और लाठी से भी मारा तब? पूर्णा ने शांत चित्त से कहा कि अगर डंडे और लाठी से मारेंगे तब सोचूंगा कि तीर तलवार से तो नहीं मार रहे। भगवान बुद्ध ने कहा, और अगर तीर तलवार भी चलाए तब? तब पूर्णा ने कहा कि तीर तलवार से मारेंगे तो सोचूंगा कि कम से कम जान से तो नहीं मार रहे। भगवान बुद्ध ने कहा, और अगर उन्होंने तुम्हें जान से भी मार दिया तब? तब पूर्णा ने कहा कि आपके साथ रहकर इतना तो समझ ही गया हूँ कि जो पूरा जीवन है वो दुख है, और जो शरीर है वो व्याधियों और बीमारियों का घर है। ऐसे में अगर वो मुझे जान से मार भी देते हैं तो मेरे दुखों का अंत करते हैं, तो इसलिए मैं उनका उपकार मानूंगा। भगवान बुद्ध समझ गए कि ये भले ही अभी अभी प्रविष्ट हुए हैं संघ में, लेकिन इनकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और एक भिक्षु के तौर पर, अगर एक भिक्षु की सबसे ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ होती है तो वो यही होती है कि वो कितने शीलवान हैं, कितने धैर्यवान हैं। और भगवान बुद्ध की इस परीक्षा में जो पूर्णा थे वो सफल रहे और उन्हें भगवान ने यहाँ भेज दिया प्रचार प्रसार के लिए, और वो यहाँ आए। और उसके बाद का इतिहास यहाँ फिर जिस तरीके से गौरवान्वित है वो हर जगह मिलता है। इसके अलावा
एक बात और कही जाती है कि जो ये पूर्णा की कहानी है, क्योंकि वो यहाँ आए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, इसका जो वर्णन है वो तमाम बौद्ध साहित्यों में भी मिलता है। लेकिन उसके अलावा एक और बात कही जाती है कि पूर्णा उन कुछ बौद्ध भिक्षुओं में से थे जिन्हें अरहंत की प्राप्ति हुई थी। अरहंत दरअसल वो पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वो स्टेज जब एक व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अरहंत के बाद जो दूसरी कड़ी होती है वो सीधे बुद्धत्व होती है, यानी अरहंत के बाद आप आगे बढ़ते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर। तो इतनी बड़े स्टेज तक वो पहुंच गए थे, उन्होंने अरहंत को प्राप्त किया था। और ये तमाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे समाधि, ऐसा कहा जाता है कि ये जितनी भी समाधियाँ हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है, तो इसके आसपास जितनी भी समाधियाँ हैं ये उन बौद्ध भिक्षुओं की रही होंगी जिन्होंने अरहंत को प्राप्त किया था। तो जो मास्टर होते हैं बौद्ध धर्म के, जो सबसे शीर्ष पर बैठे बुद्ध के बाद, बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद तो व्यक्ति बुद्ध हो गया, लेकिन उससे पहले और बुद्ध के बीच का जो स्टेज है वो है अरहंत। तो ये जितने भी तमाम आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके आसपास बिल्कुल गोलाई में, ये जितने भी समाधि स्थल हैं ये उन बौद्ध भिक्षुओं के हैं जिन्होंने अरहंत को प्राप्त किया था। तो इस तरीके से ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये नाला सुपारा है ये बहुत ज़्यादा इतिहास में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। तो इसकी जो चर्चा है वो आपको जापानीज़, चीनी तमाम साहित्यों में मिलती है, और वो लोग भी यहाँ आते हैं ये जानने के लिए कि उनके साहित्यों में जिस जगह की चर्चा है वो जगह आखिर कहाँ है। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि वो यहाँ आते हैं इसको जानने, लेकिन भारत के लोग जहाँ ये जगह है, जो इतिहास हमारे पास है, जिसका सौभाग्य भारतीयों को प्राप्त है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करना चाहेंगे कि जिन लोगों को अपने इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है उन तक ये ज्ञान पहुँचे, इस जगह को वो जाने, अपने इतिहास को वो जाने, 2500 साल पहले के अपने गौरवान्वित इतिहास को समझें। और अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन TV। धन्यवाद।